आगे का वर्णन करते हुए सुखदेव महाराज कहने लगे, एक बार देवराज इंद्र को श्री दुर्वासा ऋषि ने अपनी माला पहनने को दी। अब इंद्र ऐरावत हाथी पर विराजमान थे, उन्होंने अज्ञानवश उस माला को क्या कर दिया, अपने ऐरावत को पहना दिया। ऐरावत ने क्या किया, मस्ती में उस माला को उठाकर क्या कर दिया, पैरों के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने जब यह बात देखी तो क्रोधित होकर कहा, तुम अपनी श्री से क्या हो जाओगे, हीन हो जाओगे। ऐसा कहते ही राक्षसों ने स्वर्ग पे हमला बोल दिया। अब स्वर्ग पे हमला हो गया तो अब देवता निकल कर भागे, आए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहाँ लेकर आए उन्हें, भगवान के पास। भगवान ने कहा, इंद्र तुमने गलती तो की है। कहा, महाराज जी अब गलती हो गई, इसका निवारण क्या है। कहा, संधि करनी पड़ेगी राक्षसों से, क्योंकि इस समय जो जितने रतन थे सब कहाँ चले गए हैं, समुद्र में। कहा, महाराज जी क्या करें। कहा, बलि के पास जाओ और उनके आगे प्रस्ताव रखो समुद्र मंथन का, उससे रतन निकलेंगे। वह रतन क्या करेंगे, तुम्हारा कल्याण कर देंगे। अमृत मिलेगा, अमृत पी लेना, अमृत पीने के बाद तुम अमर हो जाओगे, राक्षस क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। इंद्र देवता आए बलि के पास, कहने लगे, हम चाहते हैं लड़ाई तो निरंतर चलती रहेगी, क्यों ना अमृत के लिए मंथन किया जाए। अब मंथन होना प्रारंभ हुआ, मंदराचल पर्वत को लेकर आए। अब मंदराचल पर्वत किस पर स्थित हो, क्योंकि बार बार समुद्र में डूबता जा रहा था, तो उस समय भगवान ने मंदराचल पर्वत को स्थित करने के लिए कश्यप भगवान का अवतार ले लिया, कछुए का अवतार ले लिया। बोल कच्छप भगवान की। अब कच्छप भगवान भी मंदराचल पर्वत स्थित हो गए। अब वासुकी नाग की मथानी बनाई गई, रस्सी बनाई गई, उस रस्सी को मथना था। तो भगवान समझ गए कि ये राक्षस क्या समझते हैं, हर बात को उल्टा ही समझते हैं। तो उन्होंने कहा, हमारा मन है देवता कहाँ खड़े हो जाएं, मुख के तरफ। तो अब राक्षसों को लगा कि हमें निकृष्ट समझा जा रहा है, हमें कहाँ खड़ा किया जा रहा है, पूंछ की तरफ। भाई जो निकृष्ट हिस्सा है पूंछ का, हमें दिया जा रहा है, और मुख किसे दिया जा रहा है, देवताओं को। तो राक्षसों ने कहा, हम ये बात नहीं मानेंगे। कहा, क्या करना है। कहा, हमें मुख की तरफ खड़ा करो। देवता ने कहा, भगवान ने कहा, मैं तो यही चाह रहा था। अब मुख की तरफ खड़े हुए तो वासुकी जी के मुख से क्या निकलती हैं, आग की लपटें निकलती हैं। अब वो लपटें निकले तो कौन झुलसे, राक्षस। राक्षसों ने माथा पकड़ लिया, कहा, पहले भगवान की बात मानते तो क्या होते, सुखी हो जाते। देखो, अपने भक्तों की संभाल परमात्मा स्वयं करते हैं, किसी भी प्रकार से, कैसे भी ढंग से। अब मंथन हुआ, मंथन में सर्वप्रथम क्या निकला, किसी को अमृत पीना है जीवन में सुख का तो क्या करना पड़ेगा, दुख का जहर पीना ही पड़ेगा। आए हैं तो दुनिया में जीना ही पड़ेगा, दुख का प्याला भर भर के पीना ही पड़ेगा। साधारण बात नहीं ना, सबके जीवन में दुख है, और जो दुखों को पी गया समझो सुख उसके लिए क्या है, उपस्थित हो जाते हैं। ज़्यादा दुख भी नहीं, ज़्यादा दुख सहेगा तो क्या हो जाएगा, इंसान निष्क्रिय हो जाएगा, उसके जीवन का जो एक होता है ना उद्देश्य, वही समाप्त हो जाए। ज़्यादा दुख नहीं, उन दुखों को फेस करके जीवन में आगे बढ़ते जाना है। अब जहर निकला, जहर देखकर सब भयभीत हो गए, कौन पिएगा। तो भगवान शंकर की याद आई, भगवान शंकर आए और नाम के प्रभाव से, नाम प्रभाव जान शिवनी को हरे राम, नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। कहा, नाम के प्रभाव को शंकर जी जानते थे, जगत के कल्याण के लिए उन्होंने जहर पिया। अब जहर पिया तो गला कैसा हो गया, नीला, और
और अब महादेव जी किस नाम से प्रसिद्ध हो गए? बोलिए नीलकंठ महादेव की। और यह मंदिर कहाँ है? नीलकंठ भगवान का। आप कभी ऋषिकेश जाए ना, ऋषिकेश से 30 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे नीलकंठ महादेव का बहुत सुंदर मंदिर है। वहाँ पे सिद्धगण भी आते हैं और विशेष तो वहाँ पे जब यात्राएं चलती हैं सावन में तो बहुत सुंदर श्रृंगार और पूजा की जाती है। तो अब नीलकंठ महादेव बन गए, उसके बाद रतन निकले, चंद्र प्रकट हुए, चंद्र गए भगवान शिव जी के पास, उच्चश्रवा घोड़ा निकला उसे ले लिया राजा बलि ने, ऐरावत हाथी निकला वह इंद्र के पास आ गया, अप्सराएं आई वो स्वर्ग चली गई, कौस्तुभ मणि स्वतः ही भगवान के गले में धारण हो गई। अब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, लक्ष्मी जी ने देखा कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके साथ विवाह करूँ, तो गई दुर्वासा जी को देखा तो भयभीत हो गई, कहा ये संत तो अच्छे हैं बड़े क्रोधित हैं, किसी भी समय क्रोधित हो जाएं पता नहीं। ब्रह्मा जी के पास गई तो क्या देखती है, ब्रह्मा जी बिजी लगे पड़े हैं, सारा दिन सृष्टि को उत्पन्न करना है, बनाना है, क्या करना है। भगवान शंकर जी के पास पहुंची तो क्या देखती है कि यह तो निर्विकार हैं और पहले से ही क्या हैं, विवाह संपन्न हैं, पार्वती माता जी साथ हैं। सोचा अब कहाँ जाऊँ, इधर उधर देखा तो भगवान विष्णु जी के नेत्र नीचे थे, तो लक्ष्मी माता समझ गई इसका ध्यान ही नहीं मेरे ऊपर, मैं धन संपन्न और मेरे ऊपर ध्यान नहीं, इसका मतलब इसके मन में आसक्ति नहीं है। जो लक्ष्मी जी के पीछे भागेगा लक्ष्मी जी उससे क्या होती हैं, दूर चली जाती हैं, और जो मन से सोचे जो होगा देखा जाएगा, कहते हैं भगवान उसके भंडारे स्वतः ही भर देते हैं। चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन का शाह। कहते हैं लक्ष्मी जी ने जब ऐसा देखा मंगल स्वरूप भगवान का, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुनरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, का ये देख के भगवान के गले में हार पहना दिया, विवाह हो गया। और वही लक्ष्मी नारायण भगवान प्रेम प्रकाश मंडल के क्या बन गए, हम सब के इष्ट हैं, बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब विवाह संपन्न हो गया, सबको इंतजार था किसका, भाई अमृत कब निकलेगा। अब अमृत निकला, धन्वंतरी भगवान कलश ने के निकले, कहते हैं धन्वंतरी भी भगवान के अवतार हैं, बोले धन्वंतरी भगवान की। अब धन्वंतरी जी अवतार हैं, लेकर निकले कलश तो राक्षस पीछे पड़ गए, उनसे वह कलश खोंस लिया और एक स्थान पर जाकर बैठ गए राक्षस सब। तो देवता आए भगवान के पास, प्रभु जी इतनी मेहनत की अमृत के लिए और अमृत लेकर भाग गए, क्या करें। भगवान ने कहा चिंता मत करो। तो जहाँ राक्षस आपस में बातें कर रहे थे ना, भगवान ने एक बहुत सुंदर रूप बनाया, पता है कौन सा रूप बनाया, मोहिनी रूप। बोल मोहिनी रूप भगवान की। भगवान भी क्या क्या करते हैं भाई भक्तों के लिए, अलौकिक अद्भुत हैं, हम शब्दों में उन्हें कह ही नहीं सकते, और संस्कृत में उसका पठन पाठन किया जाए तो बात ही निराली हो जाती है, बहुत अद्भुत हो जाती है जो उपमाएं दी गई हैं। अब मोहिनी रूप धारण किया तो राक्षस मोहित हो गए, राक्षस कहने लगे अरे देवी आप कौन हो, कहा मैं तो यहाँ से जा रही थी, कहा एक काम करो, कहा क्या है, कहा ये अमृत का कलश है अमृत पिला दो। तो मोहिनी रूप में भगवान कहते हैं मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो, कहा इसलिए कि हमें पता है तुम उच्च कुलीन लगती हो, अच्छे परिवार से हो, तुम पर विश्वास है। कहा ऐसे तो ठीक नहीं है, मेरे ऊपर इतना विश्वास मत करो। कहा नहीं हमें विश्वास है। कलश का कलश उन्हें दे दिया। इतने में देवता भी आ गए, देवता आए कहने लगे हमें भी अमृत पीना है। अब मोहिनी रूप में परमात्मा थे, अब उन्होंने कहा राक्षसों से भाई यह पूरा कलश अमृत से भरा पड़ा है, अब इसके नीचे तो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, ऊपर क्या है पानी है, अगर तुम बोलो तो देवताओं को पानी पिला दें, बाकी नीचे का माल किसे मिलेगा, आपको मिल जाएगा, माताएं ठंडाई बनाती हैं ना कभी कभी, तो जो बच्चे के लिए घर परिवार के लिए ठंडाई कैसे रखती हैं, नीचे घुटी हुई,
और परिवार में कोई मेहमान आ जाए उसको कैसे देती हैं, दे दो ऊपर भर के, एक जग भर के ऐसे चला देती हैं भाई, देते जाओ। और नीचे क्या होता है, बादाम पिस्ता खसखस सब कहाँ होती है, नीचे दबी रहती है ना। तो अब भगवान ने कहा सारा माल नीचे है, ये देवताओं को दे दें ये भी खुश हो जाएंगे, अमर तो बनेंगे नहीं पानी पीने से। कहा भले दे दो। अब भगवान ने बांटना प्रारंभ किया, देवताओं को अमृत पिलाते जाएं, राक्षसों तक पहुँचे ही नहीं, दैत्यों तक पहुँचे ही नहीं। एक दैत्य था उनके मध्य स्वम्भानु, उसने देखा स्वरभानु ने कि अमृत देवताओं को पिलाया जा रहा है, वह दैत्यों के बीच से उठकर कहाँ आ गया, चंद्रमा और सूर्य के मध्य। जब उसने अमृत पिया कंठ तक पहुँचा तो भगवान को सूर्य और चंद्र ने कहा प्रभु ये राक्षस है, तो भगवान तुरंत अपने रूप में आ गए, चतुर्भुज रूप में आ गए और चक्र लेकर उसका धड़ शरीर से अलग कर दिया। और धड़ और शरीर क्या बन गए, राहु और केतु। इसलिए जब भी ग्रहण होता है तो क्या होता है, यह राहु केतु सूर्य और चंद्रमा पर अपना ग्रहण लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने वरदान प्राप्त किया भगवान से कि हमें इन्हें सजा देनी है, तो वो सजा देते हैं। इसलिए कहा जाता है जब ग्रहण हो उस समय कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, बिल्कुल आराम से रहना चाहिए, कोई द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं इस प्रकार भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया, राक्षस नहीं पी पाए, देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ और ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि राजा जो बलि थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब देवता जीत गए, स्वर्ग मिल गया। अब स्वर्ग मिलने के बाद राक्षसों ने विचार किया राजा बलि को जीवित करना है, तो राक्षसों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उनको संजीवनी विद्या आती थी, संजीवनी विद्या के द्वारा उन्होंने क्या कर दिया, राजा बलि को पुनः जीवित कर दिया। राजा बलि से कहा एक बात कहें तुम्हें, अगर अधिकार जमाना चाहते हो सबके ऊपर तो क्या एक ही उपाय है। कहा महाराज कौन सा, कहा ब्राह्मणों की पूजा करो। अब ब्राह्मणों की पूजन प्रारंभ किया, नर्मदा नदी के तट पर उसने अश्वमेध यज्ञ किए। अब 99 यज्ञ हो गए, 100वां यज्ञ पूरा होता तो क्या हो जाता, राजा बलि इंद्र के आसन पर बैठ जाते। अब संयोग ऐसा हुआ 100वां यज्ञ पूरा होने वाला था, इंद्र देवता आए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी आए भगवान विष्णु के पास, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमने पहले ही कश्यप ऋषि और उनकी धर्म पत्नी अदिति को वचन दिया है, उनके पास अवतार लेकर जाएंगे। अब वामन के रूप में भगवान ने अवतार लिया, वामन का अर्थ 52 अंगुली के छोटे से भगवान वामन अवतार का जन्म हुआ। बोल श्री वामन भगवान की। अब जन्म हुआ, जन्म लेते ही ब्राह्मण थे, ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें करमंडल दिया, माता ने लंगोटी पहनाई, सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, भूदेवी ने चरण पादुकाएं दी, आकाश ने छत्र दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने कुछ न कुछ देकर उन्हें विदा किया। वह आए कहाँ पर, जहाँ पर राजा बलि यज्ञ कर रहा था। उन्हें देखकर राजा बलि मोहित हो गया, कहा इतना छोटा सा ब्राह्मण और देखने में दिदीप्यमान, नज़दीक उठकर आ गया, हवन छोड़कर यज्ञ छोड़कर आया। कहा महाराज जो मांगना है मांग लो। भगवान भी देखो बहुत होशियार हैं, कहा क्या मांगना, ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए। कहा महाराज मेरी इच्छा है आप लो मुझसे। कहा तुम्हारा नाम सुनकर ही आए हैं, प्रहलाद जी तुम्हारे दादा हैं, विरोचन तुम्हारे पिता थे, तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हारे पास आए हैं, खाली तो नहीं जाएंगे। कहा महाराज मांग लो। कहा 3 पग जमीन दे दो। कितने पग? अब यह सुनकर बलि कहने लगा महाराज आपके पैर इतने छोटे, 3 पग करोगे क्या? कहा बस संकल्प ले लो, 3 पग दो। कहा इसमें संकल्प की क्या आवश्यकता है, हम आपको वैसे ही दे देते हैं। कहा नहीं महाराज संकल्प तो लेना पड़ेगा। अब संकल्प लेने लगे तो शुक्राचार्य जी समझ गए ये कौन है,
भगवान विष्णु है, अपने शिष्य से कहा, बेटा ये तुझे ठगने आए हैं। कहा क्यों ठगने आए हैं? कहा तेरा सब कुछ ले जाएंगे। तब बलि राजा ने कहा, अगर भगवान सब कुछ ले जाएं, जो सबको देते हैं, अगर वो मेरे दर पर खड़े हैं, इसमें भी मेरा क्या है, परम सौभाग्य है। कहा मैं इसे बिल्कुल लौटा नहीं सकता। अब संकल्प के लिए जल का लोटा उठाया, जैसे ही जल डालने का प्रयास किया, शुक्राचार्य जी ने क्या किया, उस रामजारे में बैठ गए। भगवान ने कहा ये यार ये गुरु अजीब ही है, लोग चाहते हैं कि शिष्य को भगवत प्राप्ति हो और ये गुरु कैसे हैं, भगवत प्राप्ति हो रही है उसमें क्या कर रहे हैं, स्वयं को अटका रहे हैं। टांग अटकाना उचित नहीं लगता गुरु जी के विषय में, स्वयं को अटका रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, एक सीख उठाई और डाली अंदर। जैसे ही डाली तो शुक्राचार्य महाराज जी की क्या हो गई, एक आँख फूट गई। भगवान ने संदेश दिया, इतने बड़े ज्ञानी हो दो आँख मत रखा करो, क्या रखा करो, एक आँख। एक आँख का मतलब है सबको समान दृष्टि से देखना। राम व्यापक जान सब में द्वेष को हर लीजिए। का सबको समान दृष्टि से देखो तो क्या होगा, जगत में कल्याण हो जाएगा। अब बलि जी ने संकल्प लिया, संकल्प जैसे ही लिया पूर्ण हुआ, भगवान ने क्या किया, अपनी लीला दिखाना चालू किया। वो 52 अंगुली के भगवान कहाँ जाके पहुँचे, सीधा ब्रह्मांड तक पहुँच गए। एक पैर में धरती नाप ली, संपूर्ण धरती के सातों नीचे के लोक नाप लिए, एक पग में ऊपर के सातों लोक नाप लिए। अब कहने लगे तीसरा पग कहाँ रखूँ, गरुड़ जी को आदेश दिया बांध दो इसे, ये झूठा है। बलि जी ने हाथ जोड़ दिया, महाराज जैसा भी हूँ आपका हूँ, अब यह तीसरा चरण क्या करो, मेरे मस्तक पर रख दो। अब तीसरा चरण भगवान ने जैसे ही मस्तक पर रखा, बलि जी पाताल लोक में चले गए। अब पाताल लोक में गए, इतने में प्रहलाद जी भी आ गए। प्रहलाद जी ने स्तुति की, बलि ने स्तुति की भगवान की, बहुत सुंदर शब्दों में। भगवान प्रसन्न हुए, कहने लगे मैं तुम्हें वरदान देता हूँ बलि, तुमने जानने के बाद भी अपने धर्म पर स्थित रहकर कर्तव्य को पूरा किया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, अगले मन्वंतर के इंद्र तुम ही बनोगे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर भगवान ने एक बात और कही, कहा मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ा रहूँगा, तुम्हारे द्वार पर क्या करूँगा, पहरा देता रहूँगा। अब यह सुनकर बलि राजा बड़े प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी ने कहा महाराज ऐसा वरदान तो मुझे भी नहीं मिला जैसा आपने बलि को दिया। तब भगवान ने कहा यह तुम्हारा पोता है ना, दादे से भी ज़्यादा किससे प्रेम होता है, पोते से। कहा इसका भाव कैसा है, बिल्कुल पवित्र भाव है। अब बलि जी कहाँ के राजा बन गए, पाताल लोक के राजा बन गए। अभी भी केरल में तो यह बोला जाता है, जब यहाँ पे पोंगल आता है ना, यहाँ पे साउथ में, तो कहते हैं पोंगल के समय में बलि राजा निकलते हैं अपनी प्रजा की संभाल करने के लिए, और बड़े उत्साह से साउथ में सब स्थानों पर पोंगल को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे राजा आएंगे तो कैसे आएं, हमारे घर कैसे होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। ऐसा कर भगवान ने आशीर्वाद दे प्रहलाद और बलि को राज्य दे दिया, और स्वयं वहाँ से कहाँ हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब बलि के पास भगवान द्वारपाल बन के बैठे तो माता को चिंता हो गई, लक्ष्मी जी को, गए हैं तो आए नहीं हैं। कहा लेकर तो आऊँ, अब जैसे लेने गई कहा कैसे बोलूँ, तो बलि के पास आकर कहने लगी मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। तो बलि जी प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी जी मुझे क्या बना रही हैं, भाई बना रही हैं, और हाथ में राखी बांध दी रक्षाबंधन के दिन। तो बलि जी ने पूछा क्या चाहिए, कहा आप क्या मांगूं दे पाओगे, कहा हाँ बताओ क्या चाहिए। कहा मेरे पति देव द्वारपाल बने खड़े हैं, उन्हें छुट्टी दो। तो कहाँ चलें, अपने लोक में चलें। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्यौहार भी प्रारंभ हुआ। कहते हैं सुखदेव महाराज ने आगे की कथा बताते हुए श्री परिषद जी से मत्स्य अवतार के बारे में कहा, कहा सत्यव्रत मनु हुए, एक बार वो स्नान करने गए नदी किनारे, एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई, उन्होंने छोड़ दिया,
पुनः सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ किया, पुनः मछली आ गई। तब वह मछली कहने लगी, मनु मुझे छोड़ो मत, का क्या करूं, मुझे घर लेकर चलो। अब वो मनु, सत्यव्रत मनु उसे घर लेकर आए। घर लेकर जैसे ही पहुंचे तो करमंडल में डाल दिया। अब करमंडल में डाला तो उसका आकार बढ़ गया, कहा यह स्थान छोटा है। अब उसे और बड़े टब में डाला, तब कहने लगी ये स्थान भी छोटा है। तब उसके बाद मनु जी ने उसे स्विमिंग पूल में डाल दिया होगा। अब वहाँ डाला तो क्या बोला, ये स्थान भी। तो मनु जी पूछने के, माते आप कौन हो? तब भगवान ने कहा, मैं भगवान हूँ। 7 दिन बाद महाप्रलय होने वाली है, इसलिए मत्स्य अवतार में मैं तुम्हारे पास प्रकट हुआ हूँ। बोल मत्स्य भगवान की। का 7 दिन बाद धरती नौका के रूप में तुम्हारे पास आएगी। जितनी भी औषधियाँ हैं उनके बीज तुम पृथ्वी पर समाहित कर लेना। सप्तऋषि भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मत्स्य रूप में मेरे जो सिंह हैं उस पे तुम वासुकी नाग की क्या बांध देना, रस्सी बांध देना। जब तक महाप्रलय चलती रहेगी मैं तुम्हारा क्या करूँगा, बचाव करूँगा। पुनः जब सृष्टि प्रारंभ होगी तो यही धरती यही बीज क्या बनेंगे, तुम्हारे रक्षक बन जाएंगे। इस प्रकार अष्टम स्कंद को श्री सुखदेव महाराज जी द्वारा परिषद को सुनाया गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। का इस प्रकार नवम स्कंद प्रारंभ हुआ, और नवम स्कंद में श्री सुखदेव महाराज ने पहले के 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन किया, और बाद के अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन हुआ। सूर्य वंश का जब वर्णन आया तो नाभाग, नभ, अम्बरीश, दशरथ और उनके पुत्र राम जी का वर्णन आया। गंगा नदी किस प्रकार प्रकट हुई धरती पे सब कुछ बताया गया। कहते हैं राजा सगर हुए, राजा सगर के पुत्र थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, उस यज्ञ के घोड़े को किसने चुरा लिया, इंद्र ने। वह घोड़ा आकर कपिल मुनि के आश्रम पे बांधकर चला गया। अब जब कपिल मुनि के आश्रम पर सगर के पुत्र पहुँचे तो उन्होंने कपिल मुनि को बहुत अभद्र शब्द कहे। कपिल मुनि के नेत्र खुले, नेत्र खुलते ही वो सब क्या हो गए, भस्म हो गए। तब कपिल मुनि से सबने कहा, प्रभु इनका उद्धार कैसे होगा। कहा जब गंगा माता धरती पर आएगी तब इनका क्या होगा, उद्धार होगा। अब कहा सगर के पुत्र असमंजस ने तपस्या की, असमंजस के बाद अंशुमान ने, फिर दिलीप जी ने तपस्या की, फिर भगीरथी जी ने तपस्या की। भगीरथ की तपस्या पर प्रसन्न होकर गंगा मैया कहाँ पे आई, धरती पर प्रकट होकर आई। बोल गंगा मैया की। विष्णु भगवान के चरणों से निकली, ब्रह्मा जी के करमंडल में समाहित होकर शिव जी के जटा पर आई। शिव जी की जटा से कैसे निकली, उसकी धारा भगीरथी जी के साथ चलने लगी। कहते हैं एक स्थान से गुजर रही थी तो जन्नू ऋषि बैठे थे। जन्नू ऋषि का पूरा कुटिया का कुटिया ही गंगा नदी के प्रवाह में बहने लगा। तो जन्नू ऋषि ने क्या किया, सारा जल ही पी लिया। अब भगीरथ जी को चिंता हो गई, कहा प्रभु मैं लेकर आया था अपने बड़ों के उद्धार के लिए, आपने तो इसे सारा ही पीकर समाप्त कर दिया। तो अब जन्नू ऋषि ने कहा, मुझे क्रोध दिला दिया था, पर तुम्हारी भावना पवित्र है, तुम्हारा कल्याण होगा। कहते हैं जन्नू ऋषि के कान से पुनः गंगा मैया प्रकट हुई, इसलिए गंगा मैया का एक नाम क्या है, जाह्नवी है कहा जाता है। तो अब जाह्नवी का अर्थ भी क्या होता है, गंगा मैया। तो अब इस प्रकार भगीरथी उसे कहाँ लेकर पहुँचे, कपिल मुनि के आश्रम पर। वहाँ पर अपने बड़ों का उद्धार किया। और इस प्रकार वर्णन करते करते राम भगवान के चरित्र का वर्णन आया। कहा इसी कुल में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। राम जी के जन्म के बाद राक्षस बहुत बढ़ गए थे।
लोगों के कल्याण के लिए भगवान अवतार लेकर आए दशरथ महाराज के घर। वह एक ही भगवान चार रूप में अवतार लेकर आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। कहा, एक बार विश्वामित्र जी आए, कहने लगे मैं इन्हें लेकर जाता हूँ, मुझे अपने यज्ञ की रक्षा करनी है। राम लक्ष्मण को लेकर निकले विश्वामित्र जी और जब राक्षसों को मार दिया तो मिथिला नगरी पहुँचे। वहाँ मिथिला नगरी में सीता जी के साथ राम जी का विवाह हुआ, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ और शत्रुघ्न का शुद्ध कीर्ति के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ। चारों भाई विवाह करके वापस आए। जैसे ही पहुँचे घर तो राम कथा तो बहुत सरल आपको पता ही है। माता केकई ने क्या मांगा था? दो वरदान मांग लिए, राम जी का वनवास, भरत के लिए राज्य। अब 14 वर्ष राम भगवान निकल गए जंगलों में, और जाने का कारण क्या था कि जिस उद्देश्य से जन्म लेकर आया हूँ। देखो, रावण को मारना राम जी का उद्देश्य नहीं था। भगवान राम इतने संपन्न थे, अयोध्या से तीर चलाते तो रावण कब का मर जाता। पर राम जी के जीवन का उद्देश्य था, जो महापुरुष इतने समय से मेरे इंतजार में तपस्या कर रहे हैं, मैं उनके स्थान पर जाकर उनको क्या करके आऊँ, धन्य करके आऊँ। मैं वहाँ जाकर उनका सम्मान बढ़ा कर आऊँ। उनका सम्मान बढ़ाने के लिए भगवान ने स्वयं क्या कर दिया, वनवास स्वीकार कर लिया। आपको पता है ना, यहाँ सुना होगा आपने, मंथरा के जवान पर कौन बैठ गया था? सरस्वती माता, जिसने केकई को क्या कहा कि तुम वरदान मांगो। भगवान चाहते तो सरस्वती माता को मना नहीं कर सकते थे, उनके हाथ की बात है, पर भगवान ने चाहा नहीं। भगवान ने कहा सबका कल्याण हो इसलिए निकले। मार्ग में शबरी मिली और सुग्रीव से भेंट हुई, बाली का वध हुआ, हनुमान जी से मिलन हुआ। हनुमान जी लंका जाकर सीता माता की खबर लेकर आए। और पुनः भगवान जब लड़ाई के लिए जाने लगे तो श्री रामेश्वरम धाम में भगवान ने रामेश्वर भगवान शिव जी की स्थापना की। बोल रामेश्वर भगवान की। कितना पावन तीर्थ क्षेत्र है। अभी कुछ दिन पहले स्वामी जी दर्शन भी करके आए, वो स्थान भी देख कर आए, धनुषकोटी। और रामेश्वरम तो मैं तो सद्भागी हूँ बहुत कि भगवान ने किसी प्रकार से आना जाना लगा रखा है और बुलाते रहते हैं। मैं उस दिन शायद आनंद रामायण पढ़ रहा था। आनंद रामायण में बहुत सुंदर वर्णन आया, उसमें लिखा था, अभी थोड़ा ही पढ़ा था, का राम भगवान राजा बन गए। राजा बनने के बाद भी भगवान श्री राम रामेश्वरम धाम में आकर पूजा करके गए हैं। और उनके साथ कौन आया? माता सीता भी आई थी। और इसके साथ कालाहस्ती, जहाँ हम होकर आए ना, वहाँ भी राम भगवान आके क्या करके गए हैं, पूजा करके गए हैं। तो समझो युगों के युग बदल गए, पर वह मंदिर अभी तक वहाँ पे क्या हैं, स्थापित हैं। अब ऐसे श्री राम भगवान ने वहाँ पर रामेश्वरम की स्थापना की, और स्थापना के बाद रावण से युद्ध हुआ। रावण को हरा कर भगवान श्री राम पुनः वापस लौट कर आए। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने सूर्य वंश का वर्णन किया, और अंतिम अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन हुआ। और चंद्र वंश में कौन प्रकट हुए? हमारे लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। और नवम स्कंद को सुखदेव जी ने इस प्रकार कहकर समाप्त किया, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब चंद्रवंश का वर्णन करके शांत हो गए। सब इतना ही कहा, भगवान का जन्म हुआ। सुखदेव जी कहने लगे मैं चार दिन से इसलिए बैठा हूँ, आगे हुआ क्या? आज भागवत कथा का कौन सा दिन है? चौथा दिन है। और प्रसंगवश भी कहा जाता है चतुर्थ दिन क्या मनाया जाता है? भगवान का जन्म उत्सव। कल मैं स्वामी जी से कह रहा था, महाराज जी मैंने तो सोचा है सरलता से करेंगे जैसे भी हो, तो स्वामी जी ने कहा आप कोशिश करना कि भगवान के जन्म तक क्या हो जाए, भागवत कथा पहुंच जाए। मैंने कहा प्रयास करेंगे, बाकी तो वाणी का कमाल परमात्मा करते हैं। इस मंच पे आने के बाद जितनी शक्ति है किसकी है? परमात्मा की। जो कुछ बुलाया जाता है कौन बोलता है? वह परमात्मा ही।
हम आपको नाम नहीं लेंगे, एक बात बताते हैं, बहुत वक्ता थे, संत भी थे वक्ता भी थे, वो एक मंच पर बोलने गए, दिल्ली में उन्हें बुलाया गया, गवर्नमेंट के द्वारा ही एक बड़ा संचालन था, वहाँ बुलाया गया, बहुत अच्छा बोलते थे, लोग सुनते थे उन्हें। तो हमें उन्होंने स्वयं बताया, कहा उस मंच पर मैं गया, पहुँचा और मुझे बहुत अच्छा सम्मान दिया गया। कहा मैं वहाँ पहुँचा तो मन में एक अभिमान भी आ गया मेरे मन में कि इतने बड़े मंच पर मुझे बुलाया गया है तो मेरे में कोई बात होगी। कहा हम हकीकत बताएं, हम वहाँ पहुँचे, हमें 5 मिनट का समय दिया गया। कहा पर 5 मिनट में 2 मिनट ही बोल सके, उसके बाद हमारी वाणी क्या हो गई, लड़खड़ाने लगी। कहा जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। कहा मैं उधर से उतरा, उन्होंने पानी दिया पीने के लिए, मैं रुका, जैसे तैसे समय पूरा हुआ, नीचे आ गया और बहुत रोया, बहुत बहुत मनी बहुत रोया। कहा ऐसा अवसर जीवन में मिलता नहीं और आया तो हाथ से क्या हो गया, निकल गया। इतने बड़े बड़े लोग सुनते, मुझे प्रशंसा करते, वैसे करते हैं पीछे सुनता आया हूँ, आज मौका मिला तो। कहा मैंने जो हमारे गुरुजी थे उन्हें बताया, गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ, तो गुरुजी ने एक बात कही, कहा जब चढ़ रहे थे मंच पर क्या सोच के चढ़ रहे थे। कहा गुरुजी यह सोच के चढ़ रहा था कि आज मुझे मौका मिला है बोलने का तो मैं क्या करूँगा, ऐसा बोलूँगा कि लोग क्या बजाएंगे, तालियाँ बजाते रहेंगे। कहा ऐसा क्यों सोचा। कहा महाराज ये तो मेरे मन में अभिमान आ गया था। कहा इसके कारण जब हृदय में अभिमान आ जाता है तो शरीर क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। आप देखो कोई व्यक्ति अभिमानी हो तो कैसे चलता है, बिल्कुल कड़क के अकड़ के चलता है ना, शरीर क्या हो जाता है, भर जाता है। और कोई विनम्र होगा तो कैसे चलेगा, बिल्कुल झुक कर चलेगा। महापुरुष तो कहते हैं जो फल पक जाता है वो कैसा हो जाता है, नम्र हो जाता है, नीचे हो जाता है, और जो कच्चा होता है वो कैसा होता है, ऊपर ही टंगा रहता है। तो इसलिए विनम्रता जरूरी है। गुरुजी ने समझाया कभी भी जाओ कहीं पर, तुम्हें इनविटेशन मिले, आमंत्रण मिले, तो यह सोचकर मत जाना कि तुम्हें बुलाया गया है, हरदम यह सोचना कि मेरे ऊपर माँ भगवती सरस्वती की कृपा है, उस कृपा के अनुसार ही मुझे उस मंच पर क्या किया गया है, आमंत्रित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन का स्वयं प्रसंग बताया, देखो कौन बताएगा अपने जीवन की कमी, पर उन्होंने प्रकट की। ये किस लिए प्रकट की उन्होंने, कि हमें सिखाने के लिए। कहा जीवन में एक बार मैं भूल कर चुका हूँ, तो हमने पूछा महाराज जी फिर आपको अवसर मिला। कहा उसके बाद 3 बार गए, उसी स्थान पर गए, गवर्नमेंट के द्वारा ही बुलावा आया, और ये सोचकर चढ़ते थे मंच पे कि प्रभु ये मंच भी आपका है और बोलने वाले भी कौन हो, आप हो। स्वामी विवेकानंद महाराज जब बोलते थे ना, एक बार किसी ने पूछ लिया कि मैं देखता हूँ जब आप बोलते हो तो आपके पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है, तो विवेकानंद महाराज ने कहा मेरे पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है, कौन है। तो उन्होंने एक पिक्चर दिखाया, अब पिक्चर में कुछ नज़र ही नहीं आया, तो उस अंग्रेज से पूछा स्वामी विवेकानंद महाराज ने, कौन दिखा। कहा एक बिल्कुल पतला सा व्यक्ति दिखाई देता है, धोती पहनी रहती है, 2 दांत उसके बाहर होते हैं और ऊपर के अंग वस्त्र बहुत फटे हुए हैं। यह सुनकर स्वामी विवेकानंद महाराज जी को रोना आ गया। तो अंग्रेज पूछता है रो क्यों रहे हो। कहा तुम धन्य हो, किस लिए। कहा जो मुझे नहीं दिखाई देते वो तुम्हें दिखाई देते हैं। कहा पर कौन है। कहा वो मेरे गुरुदेव श्री राम कृष्ण परम हंस हैं, जो निरंतर मेरे बोलने पर मेरे साथ रहते हैं, उनकी कृपा से ही मैं संसार में क्या कर पाता हूँ, बोल पाता हूँ। तो अब इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने जब संपूर्ण किया, 9वां स्कंद, 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ, और 10वें स्कंद में बोलते बोलते रुक गए, तो कहने लगे महाराज जी बताओ क्या हुआ भगवान के विषय में, कृष्ण जी के विषय में। तो श्री कृष्ण के विषय में बोलते हुए ध्यान लग गया, थोड़ी देर शांत हुए और बताने लगे, कहा भगवान का मधुर गान करना चाहिए, भगवान के चरित्र के बारे में पूछने वाला धन्य है, भगवान के विषय में जानने वाला धन्य है,
भगवान के विषय में बताने वाला धन्य है। इस प्रकार सबकी धन्यता का वर्णन किया और कहने लगे, तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम्हारे तो दादाजी के क्या थे, मित्र थे भगवान श्री कृष्ण। कहा, जब भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी का विवाह हुआ तो उनका भाई उन्हें छोड़ने जा रहा था। जैसे ही मार्ग में जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इसके घर में छोड़ने जा रहा है, इसकी आठवीं संतान तेरा क्या होगी, काल होगी। जब ये सुना तो क्रोध में भर गया, कहा अभी का अभी से समाप्त करता हूँ। जैसे ही मारने वाला था वो तो वसुदेव जी ने क्या कर दिया, कहा स्त्री पर हाथ उठाओगे समाज में नाम खराब हो जाएगा और इसकी आठवीं संतान तुम्हारा काल होगी, ये थोड़ी काल है। अब उसके मन में विचार आया, ठीक है बहन है, छोड़ देता हूँ, समाज में नाम खराब होगा, आकर बंदी बना दिया। अब बंदी बनाकर जैसे ही छोड़ा तो वसुदेव से कहा, अब बालक होंगे तो कैसे पता चलेगा। अब वसुदेव जी साधारण नहीं थे, कहने लगे, जैसे ही बालक मेरे घर जन्म लेकर आएगा उसे मैं क्या करूँगा, आपके पास ही पहुँचा दूँगा, कहीं नहीं दूँगा, किसी को नहीं बोलूँगा। ठीक है, अब जन्म हुआ एक बालक का, और जैसे ही बालक का जन्म हुआ वसुदेव जी ने कंस तक खबर पहुंचा दी। कंस आया, कहा ये तो छोटा बालक है, और इसे क्षमा करके जाने लगा। जैसे ही जाने लगा तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, ये कमल उठाओ, देखो इसमें कितने पत्तियां हैं। तो उसने गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा यहाँ से गिनो, तो वहाँ से गिनना प्रारंभ किया। कहा कितनी पंक्तियां हैं, कहा 8। कहा आठवां पुत्र कोई सा भी हो सकता है मारने वाला, तुमने इसे छोड़ दिया। कंस पुनः आया और उस बालक को कहाँ पटक दिया, जमीन पर पटक दिया। अब क्यों पटक दिया, इसके पीछे इतिहास है। कहा ये जो बालक थे ब्रह्मा जी की सेवा करते थे, एक बार इनसे अपराध बन गया, तब ब्रह्मा जी ने इन्हें कहा कि तुम जाकर राक्षस बनो। यह राक्षस बने पर स्मृति बनी हुई थी इनकी, क्या भगवत भक्ति में बनी हुई थी। तो हिरण्यकश्यप के पास अवतार लेकर आए तो भक्ति में मन लगने के कारण हिरण्यकश्यप ने भी इन्हें श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया, कि तुम्हारी मृत्यु राक्षस के हाथों ही होगी, इसलिए कंस के द्वारा उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकार 6 पुत्र वसुदेव जी के मार दिए। जैसे ही 7वां पुत्र हुआ तो माता योग माया को भगवान कृष्ण ने आदेश दिया कि इस पुत्र को माता देवकी के गर्भ से उठाकर कहाँ स्थापित कर दो। आपको पता है ना बलराम जी की माता जी का नाम क्या है, क्या नाम है, माता जी के गर्भ में स्थापित कर दो। अब बालक यहाँ से उठकर वहाँ स्थापित हो गया। कंस हैरान हो गया, ये कैसे, बालक यहाँ पैदा होने वाला था, अंदर ही अंदर मर गया, गायब हो गया, उसे समझ ही नहीं आया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, जैसे अभी समय क्या हो रहा है, जा रहा है ना धीरे धीरे। अब इंतजार होने लगा भगवान के आने का। अब भगवान को देखकर सभी देवता कहने लगे, प्रभु अब जन्म लो, कंस का अत्याचार बढ़ गया है, आपको आके क्या लेना है, जन्म लेना है। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आप सब जाकर तैयारियां करो। मथुरा में सब देवी देवता आ गए किसी न किसी रूप से अवतार लेकर। भगवान को तो पता था कि क्या होना है, अवतार होने वाला है। सब स्तुति करने लगे भगवान की कि प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपने निरंतर हमें बचाया है, हरदम सत्य की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है, हम आपके ही आश्रित हैं, आपके ही सहारे हैं, आप ही जगत का कल्याण करने वाले हैं। जब इस प्रकार देवता लोग स्तुति कर रहे थे तो भगवान ने उनकी स्तुति सुनी और वही भगवान उस मथुरा के जेल में आए चतुर्भुज रूप में माता के समक्ष। माता ने जब देखा भगवान को तो हैरान हो गई और प्रार्थना करने लगी, नमस्कार 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 जी नारायण को मेरा, नमस्कार जी नमस्कार 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 जी
नारायण को मेरा नमस्कार जी। प्रातःकाल मध्यान्ह सायंकाल को, प्रातःकाल मध्यान्ह सायंकाल को नमस्कार नारायण नंगपाल को, नमस्कार नारायण नंगपाल को, नमस्कार 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 जी नारायण को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार 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 जी नारायण को मेरा। गले वस्त्र पाकर दोनों हाथ जोड़े, गले वस्त्र पाकर दोनों हाथ जो नमस्कार करूं मैं नारायण तोरे, नमस्कार करूं मैं नारायण तो, नमस्कार 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 जी नारायण को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार 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 जी नारायण को मेरा। नहीं पास मेरे रतनलाल हीरे, नहीं पास मेरे रत, नमस्कार कोरी फकत पास मेरे, नमस्कार कोरी फकत पास, नमस्कार 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 जी नारायण को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार 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 जी नारायण को। किसी पास चूरण लड्डू खीर पेड़े, किसी पास चूरण लड्डू खीर, नमस्कार कोरी फकत पास मेरे, नमस्कार कोरी फकत पास, नमस्कार 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 जी नारायण को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार 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 जी नारायण को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार हमरा स्वीकार करना, नमस्कार हमरा कहे टेऊ मुझ पे दया हाथ धरना, कहे हो कहे टेऊ मुझ पे दया हाथ धरना, कहे टेऊ मुझ पे दया हाथ, नमस्कार 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 जी नारायण। सब मिलकर नमस्कार जी, नमस्कार 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 जी नारायण को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार 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 जी नारायण को मेरा नमस्कार जी। फिर चतुर्भुजी रूप में वो नारायण भगवान वहाँ माता के समक्ष प्रकट हो गए। माता ने कहा, ये कैसा रूप है, आप तो किस रूप में आने वाले थे? बालक रूप में माँ देवकी ने भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति करने के बाद प्रभु से कहा, प्रभु साधारण रूप में आ जाइए। अब भगवान तो चतुर्भुज रूप में थे, माँ देवकी की स्तुति सुनकर नन्हे बालक के रूप में आ गए और कहा कि अब हमें तुम यहाँ से उठाकर कहाँ ले चलो? गोकुल। अब गोकुल चलने की तैयारी होने लगी, भगवान की तिथि आ गई। महीना था भाद्र का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र। और जैसे ही भगवान बालक रूप में आए, कहते हैं कंस के सारे सेवक सो गए। अब श्री वासुदेव जी ने भगवान के कथना अनुसार बाल गोपाल को टोकरी में उठा लिया और जैसे ही उठाने लगे तो बंधन टूट गए, जो बेड़ियां थी जंजीरें थी सारी टूट गई। अब चलने लगे छोड़ने के लिए, माता जी ने कहा एक झलक तो देख लूं। तब देवकी माता जी ने भगवान को देखा, निहारा, प्रणाम किया। वसुदेव जी लेकर जाने लगे। अब जैसे ही यमुना नदी के पुलिन पे आए तो घनश्याम को देखकर काले काले बादल सोचने लगे, हम भी इन्हीं के रूप के हैं, हमें इनसे मिलना है। तो बरसात होने लगी।
अब यमुना जी के अंदर पैर डाला तो यमुना जी ने कहा, ये तो मेरे पति देव हैं और बिना प्रणाम किए मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी, मुझे इन्हें प्रणाम करना है। अब ऊपर से बरसात, नीचे से क्या है, यमुना का पानी। तो शेष नाग जी विचार करने लगे, अभी भगवान का जन्म ही हुआ है और इस प्रकार बरसात, तो शेष नाग जी फण लेकर तैयार हो गए रक्षा करने के लिए, सेवक है ना शेष नाग जी भगवान के। अब ऊपर से बरसात, नीचे से यमुना नदी, शेष नाग की छैया। अब यमुना नदी का प्रभाव बढ़ता ही चला गया। वसुदेव जी के कहते हैं मुख तक पानी आ गया। तब बाल गोपाल जी ने सोचा, अगर पानी ज़्यादा ऊपर आ गया तो क्या होगा, वसुदेव जी के नाक में चला जाएगा, डूब जाएंगे। तो भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने यमुना जी को प्रसन्न करने के लिए अपना पैर बाहर निकाल दिया। जैसे ही पैर बाहर निकाला, यमुना जी ने क्या किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही यमुना जी का जल कैसे हो गया, इतना नीचे आ गया कि नंद जी के घर तक वसुदेव जी ऐसे चले गए यमुना जी के बीच में जैसे समतल धरती पर चल रहे हैं। अब इस प्रकार नंद जी के घर पहुँचे रात्रि के समय, और भगवान के आदेश अनुसार योग माया तो पहले ही जन्म ले चुकी थी, वहाँ पर भगवान को, श्री कृष्ण गोपाल को वसुदेव जी ने यशोदा मैया के पास में सुला दिया और उस स्थान से किसे उठा लिया, योग माया को। योग माया को उठाकर वसुदेव जी जैसे ही कारागार में पहुँचे, पुनः किस में पड़ गए, बंधन में। तो महापुरुषों ने बहुत सुंदर वर्णन किया, कहा जब भगवान मस्तक पर रहते हैं तो जीव के सारे बंधन क्या होते हैं, खुल जाते हैं, और जैसे ही माया मस्तक पर आई तो क्या हो गए, सारे बंधन पुनः पड़ गए। भगवान जब वसुदेव जी के टोकरी में मस्तक पर थे तो सारे बंधन क्या हो गए थे, खुल गए थे, और जैसे ही माया आई तो बंधन क्या हो गए, पुनः पड़ गए। अब यहाँ उस बालिका ने रोना प्रारंभ किया, कंस को खबर चली, कंस आया और आकर देखा तो अष्टम बालक क्या है, लड़की है। उसे क्रोध आ गया देवताओं के ऊपर, कहा देवता भी झूठ बोलते हैं, और ऐसा सोचकर क्रोध में आकर उसने उस लड़की को ऊपर की तरफ फेंका। जैसे ही उस कन्या को ऊपर की तरफ फेंका, वो साधारण तो थी नहीं, वो जगत जननी माँ जगदम्बा भगवती स्वरूपा माँ भगवती थी। बोल दुर्गे मैया की जय। और माँ भगवती ने क्या कहा, एक अंश तुझे मारने वाला तेरे नजदीकी प्रकट हो गया है। देखो क्या बोला, शब्द देखो समझो, ऐसा नहीं कहा कि जन्म लिया है, क्या बोला, प्रकट हो गया है। भगवान कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते, भगवान क्या होते हैं, प्रकट होते हैं भाई, प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कहा इस प्रकार जब कहा, कहा वो तुझे थोड़े समय मार के समाप्त कर देगा। अब भयभीत हो गया कंस, कहा ये तो अलग बात हो गई, मुझे देवताओं ने कहा था आठवीं संतान तुझे मारेगी, ये तो कन्या थी और यह भी गायब हो गई। अब उसने देवकी से क्षमा मांगी और क्या, अपने साथियों को बुलाकर कहा, जितने भी विप्र हैं, यज्ञ हवन करने वाले हैं, सबको मारना क्या करो, प्रारंभ कर दो। और भगवान ने कहा है, जो विप्र पर, गौ पर, यज्ञों पर, संतों महापुरुषों पर अत्याचार करता है वह मेरा क्या है, द्रोही है, उसे मैं कभी क्षमा नहीं करता हूँ। भगवान के कहे अनुसार योग माया भी वहाँ से चली गई। यहाँ पर जब नंद बाबा जी तो प्रातःकाल सो रहे थे और उनकी बहन सुनंदा उनके घर आई हुई थी, उसने रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनी
तो क्या देखती है कि मेरी भाभी के नजदीक एक बालक सोया पड़ा है। अब प्रयास तो था, प्रयत्न चल रहा था, पर 80 वर्षों तक यशोदा मैया के घर में कोई संतान हुई नहीं थी। और नंद बाबा जी की उम्र कितनी हो गई थी? 90 वर्ष। कहते हैं बहुत प्रार्थनाएं की, यज्ञ किया, हवन किया, पर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। क्योंकि देखो सतयुग में लोगों की उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष, और फिर त्रेता में लोगों की उम्र होती थी कितनी? 10,000 वर्ष, और द्वापर में लोगों की उम्र होती थी कितनी? 1,000 वर्ष, और कलयुग आते आते कितनी रह गई? 100 वर्ष। अब वो 100 वर्ष तो कोई भागों वाला जीता है, इसकी उम्र 100 वर्ष हो जाए ना, बहुत दिव्य हो जाता है। अब इस प्रकार नंद बाबा जी को 90 वर्ष की अवस्था में किसकी प्राप्ति हुई? भगवान की प्राप्ति हुई। सुनंदा उनकी बहन आई और हंसते हुए कहने लगी, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। कहा क्या हुआ? कहा बालक आया है। अब नंद बाबा जी को यकीन ही नहीं हो, कहा हो सकता है ऐसे ही प्रसन्न कर रही हो, पर कहा चलकर देखो। अब प्रातःकाल का समय था, कक्ष में गए तो क्या देखते हैं? नन्हा सा बालक कहाँ सोया पड़ा है? यशोदा के नज़दीक में। अब यह सारी खबर सब स्थानों पर फैल गई। नंद बाबा जी के घर पे संत आए हुए थे, वह उनके घर ही रुके पड़े थे। नंद बाबा उनसे कहते थे, महाराज जी हमारे घर रुको, आशीर्वाद देकर जाओ कि संतान की क्या हो? प्राप्ति हो। संतों ने कहा, जब तक संतान नहीं आएगी हम तुम्हारे घर से नहीं जाएंगे। इतने सालों से वो संत रुके पड़े थे, आज उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। सारे शहर में हुल्ला फैल गया कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब भगवान के आने की खबर सबको पहुंच गई, क्योंकि नंद महाराज उस गांव के क्या थे, आज के ज़माने के हिसाब से सरपंच कहिए, पंचायत के मुखिया कहिए, और उनके पास कितनी गाय थी? 9,00,000 गायें। अब इतनी गायों के वो मालिक थे, धन के मालिक थे, गौ माता को धन माना जाता था। अब सब जगह खबर फैली तो लोग आने लगे, लोग आने लगे। क्या लेकर आए? बढ़िया बढ़िया सामग्री लेकर आए, कोई धन लेकर आया, कोई कपड़े लेकर आया, कोई वस्त्र लेकर आया, अनेक अनेक चीज़ें लाकर नंद बाबा के घर जमा करने लगे। अब नंद बाबा को ब्राह्मणों ने कहा, स्नान कर लो, बच्चे को देखना है तो, क्योंकि निकले थे स्नान करने, उन्हें तो पता ही नहीं था कि बालक प्रकट हो गया है। अब वहाँ स्नान करा रहे थे, सुनंदा ने खबर दी, भैया चलो तुम्हारे घर कौन आया है? बालक आया है। अब नंद बाबा यमुना से स्नान करके बाहर निकले तो ब्राह्मणों ने पूजा कराई, पूजा कराई, बोला अक्षत डालो, तो अक्षत की जगह क्या डाल रहे थे? शक्कर डाल रहे थे। अरे कहा अक्षत मानी चावल डालो। अब दिमाग कहाँ लगा हुआ था? बालक को देखने में, 90 वर्ष में बाद प्राप्ति हुई थी। ब्राह्मणों ने कहा आचमन करो, तो आचमन का अर्थ क्या होता है? मुख में लेना। उन्होंने क्या कर दिया? जल नीचे गिरा दिया। महापुरुष ने पूछा क्या हो रहा है? कहा प्रभु मुझे माफ़ करो, मेरा ध्यान कहाँ अटका पड़ा है अपने बालक में। कहा एक काम करो, तुम संकल्प लेकर चले जाओ, हम अपने आप यह विधि पूरी कर लेंगे। जैसे अभी प्रातःकाल यहाँ पूजन होता है ना, तो ब्राह्मण देवता हमें कहते हैं कि अब जो भक्त सुबह को नहीं आ सकते, क्या कीजिए आप उनकी तरफ से, क्या कीजिए, प्रतिनिधि बन के आप ही संकल्प लेके उनकी तरफ से क्या कीजिए, विधि पूरी कर दीजिए। तो हम आपकी तरफ से क्या करते हैं, विधि पूरी कर देते हैं, तो विधि पूरी हो जाती है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा संकल्प लेके आप चले जाओ। अब खुशी खुशी में क्या संकल्प ले लिया, मैं ब्राह्मणों को 2,00,000 गाय दान देता हूँ, और कितना अन्न दान देता हूँ, पर्वत बन जाए इतना सारा धन धान्य मैं क्या करता हूँ, सबको दान देता हूँ। किसकी खुशी में? बालक के आने की खुशी में। और ऐसा कहकर घर पहुँचे तो घर के बाहर क्या लगी पड़ी थी?
भीड़ लगी पड़ी थी, अपने घर के अंदर खुद नहीं जा पा रहे थे। अब धक्का दे दे के जैसे पहुंचे तो किसी ने कहा, अरे नंद बाबा घर जा रहे हो जसोदा मैया से मिलने, ऐसा रूप रंग कुछ अच्छा बन के जाओ, बालक आया है घर में। कहा क्या करूं, कहा पगड़ी वगड़ी पहनो, कहा अब 90 साल की उम्र में कोई पगड़ी पहनेगा? अरे कहा जवान लगोगे। अब कभी कभी बड़ों को भी बच्चे क्या करते हैं, सूट कोट पहना के क्या करते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं, भाई जवान लगो। अब नंद बाबा को लेकर गए बच्चे पकड़ कर, धोती पहना दी नई, गमछा लगवा दिया, अंगवस्त्र पहना दिया, पगड़ी पहना दी। अब जैसे ही अंदर लेकर जाने लगे, नंद बाबा अंदर जा रहे थे, एक मित्र आ गए। मित्र आ गए, बहुत प्रसन्न थे, और अपने साथ क्या लेकर आए थे, कहते हैं 20,000 लीटर दही लेकर आए। कितनी दही लेकर आए? अब जैसे ही अंदर जाने लगे, मित्र मिले, कहा नंद बाबा बधाई हो, तुम्हारे बालक को देखने आए, कहाँ पर है? कहा मैंने ही नहीं देखा है। कहा नहीं देखा है? कहा नहीं देखा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने साथियों को बुलाया, नौकरों को बुलाया, कहा जब देखने जाओगे तो ढंग से देखोगे ना, अपने बालक को देखने जा रहे हो, उसे नज़र नहीं लगे, इसलिए क्या करो स्नान करके जाओ। कहा स्नान करके आया हूँ, पूजा करके आया हूँ। कहा नहीं, पंचामृत से स्नान करो। सारा का सारा दूध दही किसके ऊपर डाल दिया? नंद बाबा जी के ऊपर। तो जो सारा आंगन था उनका किससे भर गया? आप सोचिए 20,000 लीटर दही और दूध हो, कैसा बहेगा यहाँ पे? थोड़ा भी बहता है तो क्या होता है, चिकना चिकना हो जाता है ना। आप सोचिए इतना दूध दही बहे तो क्या होगा, क्षीर सागर बन गया। और भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। आने से पहले ही क्षीर सागर की स्थापना कर दी। अब सारा शरीर नंद बाबा का दही और दूध से भरा हुआ। बच्चे तो अगर मिल जाए मौका, बरसात पड़ती है तो क्या करते हैं, पानी में आपने देखा होगा ना, आपने भी किया होगा, हमने भी किया है, पानी गिरता है तो ऐसे भगते हैं, फिर भग के क्या करते हैं, फिसलना चालू कर देते हैं। तो अब गोकुल के बच्चे क्या करने लगे, फिसलने लगे, इधर उधर जाने लगे। सब लोग गा रहे हैं, नंद बाबा जी अंदर गए, धक्का देकर सबको अंदर पहुंचे और बालक को देखकर मोहित हो गए। ऐसे मोहित हुए, ऐसे मोहित हुए, ध्यान से छवि उतरी नहीं। कहते हैं श्री शुकाचार्य जी ने, शुकदेव महाराज ने 18 श्लोकों में भगवान के उस स्वरूप का वर्णन किया। कहा ये नंद का बालक बड़ा ही अद्भुत है, और नंद बाबा सबको दिखाने के लिए उसे बाहर लेकर आए तो सब लोगों ने क्या कहा, बहुत बड़े प्रेम भाव से, नंद घर आनंद भयो, ओ नंद घर आनंद भयो, ओ जय कन्हैया लाल की जय, हो नंद लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय, नंद लाल की जय, हो नंद लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, हो नंद लाल की जय, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय, कन्हैया लाल की। सब